दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को एलोन मस्क पसंद होंगे, लेकिन शायद उनका ये ट्वीट आपको काफी ज्यादा बुरा लग सकता है कि टेस्ला विल नॉट पुट ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एनी लोकेशन वेयर वी आर नॉट अलाउड फर्स्ट टू सेल एंड सर्विस कार्स। तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि भैया, हम इंडिया में कार बनाए ही क्यों जब पहले हमें सेल ही नहीं करने दी जा रही और ना उनकी सर्विस करने दी जा रही, तो हमें इंडिया में बिजनेस करने से मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इनडायरेक्टली उनका यही इशारा है। वो तो इंडोनेशिया चले गए, आपको कुछ दिन पहले मालूम ही चल चुका होगा, वहाँ पर वो कोई बैटरी का प्लांट भी सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी सेटिंग वेटिंग बैठ गई है उनकी, सारी जो भी गवर्नमेंट के साथ में डील थी वो हो चुकी है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर ये कहते हुए सुने होंगे कि भैया, हमारे स्टेट में आओ, आप अपना टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ और अपनी कारें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करो। लेकिन एज ए बिजनेसमैन अगर आप देखो तो उनकी भी सोच सही है कि भाई, जब मुझे पता ही नहीं वहाँ पे मेरी कारें बिकेंगी नहीं बिकेंगी, चलेंगी नहीं चलेंगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगा सकता हूँ, पहले देख तो लूँ बिकती है नहीं बिकती। जैसे कि आईफोन हो गया, पहले इंडिया के अंदर बहुत बिका, जिसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिया। तो वही सेम चीज़ टेस्ला के साथ में, हालांकि उनकी कारें इंडिया के अंदर चलने भी नहीं वाली, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, तो उनको तो खाली बेचने से मतलब है, यहाँ प्लांट लगाने का उनका भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनकी कारें जिस तरीके की हैं इंडिया के अंदर तो भैया फिर आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेके काफी ज्यादा बवाल हुआ है, जिसके बाद में मेटा ने अब खास तौर पे इंडियन यूजर्स के लिए अपने सभी प्रोडक्ट्स की प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ इस तरीके से अपडेट किया है कि इंडियन यूजर, चाहे तो फेसबुक यूज़र हो या इंस्टाग्राम यूज़र हो या व्हाट्सएप यूज़र हो, वो एक्सेप्ट करना चाहता है प्राइवेसी पॉलिसी को तो करे, नहीं करना चाहता तो मत करे। प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकता है जैसे वो पहले करता था, अब भी कर सकता है, बेशक से वो राजी ना हो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। दोस्तों, अब तक बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग लगी है। यहीं पर एथर एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, उनके चेन्नई के एक डीलरशिप की जगह पर ही आग लगी है, लेकिन पता नहीं चला है कि आग का कारण क्या था। हालांकि आग इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं, उसको पहले ही रोक दिया गया था, तो अब पता लगाने की बारी है क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से आग लगी थी, जो बैटरी लगी होती है उनकी वजह से थी, या फिर किसी और वजह से थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो उससे पहले कॉनकॉर्डिया नाम के एक बेस पे जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका के अंदर मौजूद है, और ये हर साल इन्हें जाना होता है 4 महीने के लिए। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए, तो इनकी ट्रेनिंग वहाँ पर चलती रहती है, और सूरज वहाँ इनको दिखता नहीं है। जब इनका ये ट्रेनिंग का टाइम होता है, ये कंप्लीट डार्कनेस के अंदर ही वहाँ रहते हैं, जो कि 4 महीने के लिए होता है। वहाँ पर विंटर तब शुरू होता है जब यहाँ पर गजब की गर्मी शुरू हो रखी है। दरअसल वहाँ पर मार्च से लेकर अक्टूबर तक विंटर रहता है, और जब यहाँ सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ गर्मियाँ रहती हैं। हालांकि वहाँ पे गर्मी के टाइम पर भी -10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रह सकता है, और सर्दियों के वक्त में -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ पर उनको एक मतलब ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो वाली जो कि आइसोलेशन वाली होती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी उनको अकेला रहना है और अपनी जो भी रिसर्च करनी है वहाँ पर भी करनी है, तो वो यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें करते हैं ताकि वहाँ की आदत पहले ही लग जाए। और यहाँ पर दोस्तों, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ही बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ के एस्ट्रोनॉट का कहना ये भी है कि हमको स्पेस में से भी यूक्रेन और रशिया की वॉर दिख रही है, जो भी रशिया मतलब कर रहा है यूक्रेन के ऊपर बॉम्बार्डिंग वगैरह, वो सारी हमें स्पेस से भी दिख रही हैं। और यहीं पर दोस्तों, एक कैलिफोर्निया बेस्ड एस्ट्रॉइड माइनिंग स्टार्टअप कंपनी है, जो कि एस्ट्रोफ्रॉज के नाम से जानी जाती है, और इनका काम ये है कि एस्ट्रॉइड की माइनिंग करेंगे। हालांकि ये काम ये 2030 तक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेसएक्स के साथ में पार्टनरशिप करके एक राइडर शेयर मिशन भी करना चाहते हैं, जो कि 1-2 साल के बाद में ही हो जाएगा। अब ये किस तरीके से करने वाले हैं सारी चीज़ें, दरअसल ये किसी एस्ट्रॉइड के ऊपर कोई रोवर लैंड करके वहाँ पर माइनिंग नहीं करने वाले, ये एक बहुत ही छोटा मोटा है कोई एस्ट्रॉइड ले लेंगे किसी चट्टान जितना, जिसका डायमीटर सिर्फ 1-2 मीटर के जितना ही होगा, तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एक चट्टान जितना ही होगा, और वहाँ पर सैटेलाइट भेजेंगे, कोई रोवर भी नहीं भेजने वाले, जो सैटेलाइट उसके चक्कर लगाएगा और उसी से ये खींचेंगे उस एस्ट्रॉइड में जो भी मटीरियल मिलेगा वैक्यूम के सहारे। लेकिन यहाँ पर ये उस एस्ट्रॉइड को भी टारगेट करेंगे जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, जिसकी वजह से इनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करने वाले हैं अभी अपने राइडर शेयर डेमो मिशन के अंदर, हालांकि 2030 पे शायद ये बड़े स्केल में काम करें। दोस्तों, यूटा बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने एक खास तरीके का लाइट डिटेक्टर तैयार किया है। दरअसल कहा जाता है कि आंखें झूठ नहीं बोलती, तो इन्होंने
आई डिटेक्ट एक नाम का सिस्टम तैयार किया है जो कि ये बता सकता है कि कौन बंदा झूठ कौन बंदा सच बोल रहा है, और 50 कंट्रीज से अब तक इनको 600 कस्टमर्स का ऑर्डर आ भी चुका है। कैसे देखते हैं? दरअसल ये आंखों की प्यूपल को देखते हैं और उससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन बंदा सच है कौन बंदा झूठा है। 15 मिनट का टेस्ट लेते हैं जिसमें किसी की बंदे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, किसी की छोटी हो जाती हैं, कितनी बार वो ब्लिंक कर रहा है उससे फैसला लिया जाता है। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट से सही बताया जा रहा है। दरअसल पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और इसी के साथ साथ स्किन कंडक्टिविटी को देख के फैसला लिया जाता है, लेकिन इनके इस टेस्ट के अंदर सिर्फ आंखों से ही पता लगा लिया जाता है और इसका करेक्शन रेट 88% है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।